ये देखें ये पॉइंट्स मैन PLC लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान ट्रेन्स चैनल पर खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ कराची सिटी के एक वर्किंग रेलवे स्टेशन पर हाजिर हूँ, और वर्किंग रेलवे स्टेशन का नाम है मलीर रेलवे स्टेशन, जो कि कराची शहर के बीचों बीच वाक़ है, और ML1 के हिसाब से देखें तो ML1 के हिसाब से 25 किलोमीटर मार्कअप पर वाक़ है, यानी कि किमारी पोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आज इधर आने का मकसद तो ये कि है भाई रेल फैनिंग करनी है, तो आज आपको यहाँ पर रेल फैनिंग दिखाते हैं। ट्रेनें स्लो पास होती हैं, लेकिन ये एक कराची का खूबसूरत रेलवे स्टेशन और पुरसकून रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं आप इसको, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर कर्व है उस पर जब ट्रेनें पास होती हैं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। चलें दोस्तों, आज आपको कराची के एक वर्किंग रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में साथ रहिएगा, चलते हैं पहले ट्रेन एक्शन की जानिब। इस वक्त तकरीबन 3 बज चुके हैं और सामने से आ रही है GO40 9026 के साथ एक कंटेनर ट्रेन। काफ़ी लंबा लोड लग रहा है यार, अब डब्बे कितने हैं ये तो नहीं पता, लेकिन लंबा लोड है। पहले हमें फ्रेट ट्रेन का एक्शन मिला था और अब 2 लोकोमोटिव इकट्ठे आ रहे हैं। PLC दी गई है और अब ये रवाना होंगे कहाँ से, मलीर रेलवे स्टेशन से। NLC 7177 24 5219। पास हो गए हैं मलीर रेलवे स्टेशन से, जा रहे हैं अपनी ट्रेन को लीड करने।
दोस्तों अभी आपने दो फ्रेट ट्रेन एक्शन देख लिए, एक फ्रेट ट्रेन एक्शन था और एक दो लोकोमोटिव थे। और आपको बताना ही भूल गया कि मेरे साथ आज सैफ रहमान भाई, क्या था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहसिन भाई थे लेकिन वो चले गए, उनका मुझे तारुफ कराना याद ही नहीं रहा, लेकिन अब करवा देता हूँ। सैफ भाई मेरे साथ हैं, मली रेलवे स्टेशन पर हम कर रहे हैं रेल फैनिंग। तो दोस्तों अब मुख्तसर सी नज़र मली रेलवे स्टेशन पर डाल लेते हैं। दोस्तों ये रहा मली रेलवे स्टेशन का व्यू। प्लेटफार्म की बात करें, चार प्लेटफार्म है। ट्रैक्स की बात करें, चार ट्रैक्स मौजूद हैं, दो मेन लाइन, दो लूप लाइंस और एक अदर ट्रैक्स पार करने के लिए ब्रिज। मली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग की बात करें तो प्लेटफार्म से नीचे वो उस साइड पर है। किलोमीटर नंबर मार्कअप आपको पहले बता दिया, ML1 के हिसाब से 25 किलोमीटर मार्कअप वाक़ है। साथ ही बिल्कुल वो आपको आगे थोड़ी सी एक सड़क नज़र आ रही होगी शाहरे फैसल, जो कि आगे से N5 पर जाकर मिल जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 5। और आजकल मली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉप की बात करें तो आजकल सिर्फ शालतीन एक्सप्रेस और KCR यहाँ पर स्टॉप करते हैं। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 4:30 हो चुके हैं, सुपहर के 4:30 हो चुके हैं और अब सामने से आ रही है जिसको सुबह 10 बजे तकरीबन पहुंच जाना चाहिए था कराची कैंट रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी ये पास होने वाली है मली रेलवे स्टेशन से। आने वाली ट्रेन है GO40 के साथ। GO40 का नंबर क्या है भाई? 9051। 9051 के साथ ये आ रही है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, पास होगी मली से। स्लो इसलिए है क्योंकि PLC है भाई। ये देखें, ये पॉइंट्स मैन PLC लेके जा रहे हैं किसके लिए? 34 डाउन के लिए। ये तो ज़्यादा ही स्लो हो गई है। जियो ने डरा दिया भाई। KCR के साथ ये थी लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, पास हुई है मली रेलवे स्टेशन से, जा रही है कराची कैंट की जानिब। और उम्मीद है अगला एक्शन देखने को मिलेगा 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का, उम्मीद है। बाकी देखते हैं 33 से आई हो। थर्टी फोर डाउन के गुजरने के कुछ ही लम्हों के बाद 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी अपेयर हो चुकी है। वो थी 9051 के साथ, ये है GO40 9041 के साथ 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस।
वहाँ प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो बन रही है, पता नहीं कुछ छोटे भाई हैं दो, फुल जूम फुल फुल और मारो कट जाएगा। चार बजकर 40 मिनट और अब बारी है मारगला और कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। अजान होने वाली है, कमेंट्री बंद। ये है मेरे दूसरा कैमरा मैन जिन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो दोस्तों ये थी मली रेलवे स्टेशन पे बनी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई जगह पर, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।